इस लेसन में हम सूडो फोर्स के बारे में सीखेंगे। सूडो फोर्स का नाम सुनते लोगों को डर लगता है, राइट? पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉट एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हम एक्चुअल फोर्सेस दिखाते हैं। वी शो ओनली रियल फोर्सेस, फोर्सेस विच आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन द मास, राइट? ये हमने अभी तक किया है। पर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जो भी रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट होगा। ये हमेशा याद रखो, सूडो फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब रेफरेंस फ्रेम, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सूडो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम, राइट? ये सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स अगर एफ पी वेक्टर लिखेंगे, ये होगा मास ऑफ बॉडी अंडर कंसिडरेशन। ये जो मास कंसिडर कर रहे हैं उसका मास, जिस बॉडी का ऊपर सूडो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, प्लस इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पे माइनस साइन डालना होगा। सो सूडो फोर्स हो गया एफ पी वैक्टर इक्वल टू मास एम इंटू ए जीरो। एम किसका मास है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ए जीरो किसका एक्सेलरेशन है? ये है एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये है एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है। और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जिसके ऊपर सूडो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो ये हो गया सूडो फोर्स। सबसे सिंपल सूडो फोर्स अंडरस्टैंड करने के लिए लिफ्ट, अगर लिफ्ट है ये लिफ्ट एक्सेट कर अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ए जीरो, तब सूडो फोर्स नीचे एक्ट करेगा। सूडो फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। सूडो फोर्स होगा एम ए जीरो। इस बॉडी का अगर मास एम है, इसका वेट बन जाएगा एम जी प्लस ए जीरो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट? एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, सूडो फोर्स डाउनवर्ड्स, अपरेंट वेट हो गया एम जी प्लस ए जीरो। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, राइट, और वो लेस देन जी है, तब सूडो फोर्स होगा अपवर्ड्स एम ए जीरो, तो इसका वेट हो जाएगा एम जी माइनस ए जीरो, बिकॉज सूडो फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, सूडो फोर्स अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन किसका? रेफरेंस फ्रेम का। अगर ये लिफ्ट है, ये नीचे आ रहा विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स, राइट, तब अपरेंट वेट क्या होगा? तब ये बॉडी हो जाएगा वेटलेस, राइट? इसको बोलते हैं वेटलेस जीरो। अगर किसी ने गड़बड़ लिफ्ट डिजाइन किया, ओके, कुछ तो मेजरली गड़बड़ किया उसने, और लिफ्ट नीचे आता है विद एन एक्सेलरेशन मोर देन जी, तुम तो लिफ्ट से टाइड अप नहीं हो, तुम नीचे गिरोगे विद जी, लिफ्ट आ रहा तुम्हारे से ज़्यादा एक्सेलरेशन से, स्लोली तुम ऊपर चले जाओगे और यहाँ पे फ्लाई करोगे, राइट? अगर एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड मोर देन जी है, तब तुम स्लोली ऊपर जाओगे और यहाँ पे रहोगे, राइट? सो सूडो फोर्स हमेशा है ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, राइट? हर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सूडो फोर्स। जब तक हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग सूडो फोर्स। जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, कहीं कहीं पर यह कन्वीनियंट होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना, तब हम अप्लाई करेंगे सूडो फोर्स, राइट? सूडो फोर्स सोच सकते हो एक इमेजिनरी फोर्स है जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्ट करता है। ये बस है, बस में तुम खड़े हो, बस एक्सेलरेट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तुम पीछे गिरते हो, राइट?
किसी ने तुम्हें आके धक्का नहीं मारा फिर भी गिर रहे हो, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। बस के फ्रेम और रेफरेंस में देखोगे सो बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स यू आर फॉलिंग डाउन। ग्राउंड के फ्रेम और रेफरेंस में देखोगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया यू आर फॉलिंग डाउन। वो अलग देखने का तरीका है, पर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बोलेगा कि सूडो फोर्स इसके ऊपर अटका रहा है इसलिए गिर रहा है। वो सूडो फोर्स कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, राइट? सो ये सूडो फोर्स। सो एक प्रॉब्लम हम लेते हैं जो हम दोनों टेक्निक से सॉल्व करेंगे। हम पहले टेक्निक भी लेंगे इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस, आंसर लाएंगे। दूसरे में हमने लेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम और रेफरेंस, और वही सेम आंसर मिलेगा, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है? एक वेज है। वेज मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर ब्लॉक, ओके। इसका मास समझ लो है कैपिटल एम। इसके ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ट्रायंगुलर है, ए वेज है, ये रेक्टेंगुलर है, मास बॉल है। इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इज दिस फोर्स सो दैट एम डज नॉट स्लाइड ऑन एम, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एम एंड एम, ये दोनों है रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर। कितना फोर्स लगा रहा हूँ, राइट? सरफेसेस सारे फ्रिक्शनलेस है। ऐसा प्रॉब्लम दिया तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को एक सिस्टम ले सकते हैं क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, राइट? एम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। सो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स क्या है? कैपिटल एफ, टोटल मास एम प्लस एम। मिल गया एक्सेलरेशन। फाइनली हमको एफ कैलकुलेट करना है तो होगा एम प्लस एम इंटू ई। अब हमें ई ए चाहिए, कितना ए होगा ताकि एम रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। सो पहले हम लेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल मीन्स उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है ऑब्जर्वर का। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये शॉर्ट फॉर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, राइट? मतलब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे बैठा है, यह खड़ा है, ये अच्छा सा ऑब्जर्वर है, राइट? ये देख रहा है स्मॉल एम को। अब हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम, स्मॉल एम जो है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये छोटा सा सरफेस ड्रॉ किया, ये एम है। क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? इसको मास है, तो एम विल एक्ट, एम जी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? ये सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और कोई फोर्स है? नहीं। इसका इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। नॉर्मली हमें एम जी को रिजॉल्व करते हैं कॉम्पोनेंट्स में क्योंकि बॉडी इधर स्लाइड करता है, पर इधर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है इसलिए हम एन को रिजॉल्व करेंगे कॉम्पोनेंट्स में। ईजिली हम देख सकते हैं ये एन और ये वर्टिकल का एंगल होगा थीटा। सो यहाँ पे अगर वर्टिकल ड्रॉ किया, ये कॉम्पोनेंट होगा एन कॉस थीटा, ये होगा एन साइन थीटा, राइट? एक चीज़ याद रखो, अगर दो एंगल के बीच, दो साइड के बीच में एंगल है थीटा, ये और इसके बीच में थीटा है, इसका और इसका परपेंडिकुलर बीच में भी सेम एंगल होगा, राइट? दोनों को 90 डिग्री से अगर टर्न किया तो वो थीटा होगा, राइट? ये वेज का एंगल थीटा दिया हुआ है। सो एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, राइट? इधर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। सो इक्वेशन वन हो गया, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर वन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है एन साइन थीटा, एक्सेलरेशन है ए, मास है एम। सो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर टू। इसको इसके डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा टेन थीटा, राइट? इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, पर इसको कर रहे हैं बिकॉज टेन हमें ज़्यादा पसंद है। सो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, टेन थीटा क्या हो गया? ए बाय जी। सो ए हो गया जी टेन थीटा, राइट? हमें मालूम है एफ इज एम प्लस एम इंटू ए, राइट? ए मिल गया जी टेन थीटा, सो ये होगा एम प्लस एम जी टेन थीटा, ये हमें मिल गया एफ। हमने कहीं पे भी सूडो फोर्स यूज नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
इस प्रॉब्लम को अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करेंगे. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब हमारा ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है, ये है ऑब्जर्वर, राइट, यहां पे ये बैठा है. अब ये देखेगा कि स्मॉल एम एक्सेट नहीं कर रहा, विद रिस्पेक्ट टू हिम एक्सेट कर ही नहीं रहा, राइट, वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू दिस. सो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट पे भी वो रेस्ट पे है. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज हो गया अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सब हम एम को ड्रॉ करते हैं, ऐसा सरफेस है, यहाँ पे एम है, राइट, एम को मास है तो वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी इस सरफेस को पुश कर रहा है, सो नॉर्मल विल एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस. और ये ऑब्जर्व का एक्सेलेरेशन है ए, इसलिए वो सूडो फोर्स अप्लाई करेगा. ये सूडो फोर्स क्यों अप्लाई कर रहा है, बिकॉज वो एक्सेलेरेट कर रहा है, वेज एक्सेलेरेट कर रहा है, राइट, ये मास एम एक्सेलेरेट कर रहा है उसके लिए नहीं, बिकॉज वो ऑब्जर्वर एक्सेलेरेट कर रहा है, इसलिए सूडो फोर्स एक्ट करेगा ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन. इसका एक्सेलेरेशन इधर है, सूडो फोर्स होगा उधर, सो ये होगा एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, राइट. अब ऐसे रिजॉल्व करेंगे, ये होगा एन साइन थीटा, ये होगा एन कॉस थीटा. अगर वाई डायरेक्शन में देखेंगे तब मिलेगा इक्वेशन एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी. एक्स डायरेक्शन में अगर देखेंगे तब मिलेगा इक्वेशन एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए. ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ये सेम इक्वेशन है, राइट. यहाँ पे एम ए दिखाई नहीं देता फ्री बॉडी डायग्राम में, यहाँ पे एम ए दिखाई दे रहा डायग्राम में, वही फर्क है. एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, डिवाइड करो टेन थीटा मिलेगा ए बाई जी, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, एफ इक्वल टू एम प्लस एम जी टेन थीटा, राइट. सो हर प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है, कहीं पे ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है. कुछ लोग हमेशा ये प्रिफर करेंगे, बहुत रेयर केसेस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, कुछ लोग हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे. जो भी कन्वीनियंट है उस मेथड से करो, राइट, पर एक मेथड फॉलो करो ज़्यादातर, राइट, सो दैट हमेशा वही टेक्निक यूज़ करते रहो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वी शो ओनली रियल फोर्सेस, फोर्सेस विच आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन द मास. जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, तब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगेंगे, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स. सूडो फोर्स क्या है, मास ऑफ द बॉडी इंटू मास ऑफ द बॉडी अंडर कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, नॉट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. सूडो फोर्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. एफ पी वैक्टर इक्वल टू माइनस, राइट, एफ पी वैक्टर इक्वल टू माइनस एम ए जीरो. ये है सूडो फोर्स, ये एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ये मास ऑफ बॉडी अंडर कंसिडरेशन. सूडो फोर्स का डायरेक्शन है ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो हमेशा पहले लिख लो कौन सा रेफरेंस फ्रेम यूज कर रहे हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तब सूडो फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है तब सूडो फोर्स दिखाओ ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, राइट. मास ऑफ द बॉडी अंडर कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम माइनस साइन, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. इतना सिंपल है सूडो फोर्स.